मेरठ के बल्ले से आईपीएल में बरसेंगे रन, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हो या रोहित का पुल शॉट, सभी में एक चीज कॉमन है कि ये सभी शॉट मेरठ में तैयार बल्ले से निकलकर सामने आते हैं। जैसा कि आईपीएल भी शुरू हो चुका है और मेरठ के इन बल्लों की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। आईपीएल में तकरीबन ऐसे 50 खिलाड़ी नजर आएंगे जिनके हाथों में मेरठ के बने बल्ले ही देखे जाएंगे। हर खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने को तैयार है और फैंस भी इस रोमांच का गवाह बनने को तैयार है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेरठ में स्पोर्ट्स के कारोबार का इतिहास क्या रहा है। दरअसल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के कई पंजाबी परिवार ऐसे थे जो मेरठ आ गए थे, जिसका पाकिस्तान में अच्छा खासा स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स का कारोबार चला करता था। बाद में इन्हीं लोगों ने मेरठ में अपनी आजीविका शुरू कर दी और देखते ही देखते यहाँ भी बल्लों का अपना ही इतिहास रचता चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगले 5 सालों में यानी कि 2027 तक भारत में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्री का कारोबार $27 अरब से बढ़कर $100 अरब तक पहुँच जाएगा। बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग भी हमें मेरठ के बने बैट का इस्तेमाल करते ही नजर आते हैं। इससे पहले हमने तस्वीरों में दिखाया था कि जो बल्ले तैयार किए जाते हैं वो खराद मशीन पर किस तरह पहुंचते हैं, किस तरह उनकी जो है नपाई तुलाई और किस तरह वो तैयार होते हैं, और उसके बाद जब बल्ला तैयार हो जाता है तो बल्ला जो है ऊपर यानी कि जो दूसरा जो फ्लोर है उस पर पहुंचता है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो ये बल्ले है ये कंप्लीट बल्ले यहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि हाथा से लेकर इन पर जो है वो पॉलिश कर दी गई है। और दूसरी जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो बल्ला तैयार होने के बाद अगले जो कारीगर है उसके पास पहुँचता है और उसके द्वारा जो बैट है उन पर स्टिकर लगाया जाता है। और उसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर ही बल्ला भी हालांकि आधा ही तैयार हुआ है, उसके बाद आपको दिखा दूँ कि इस जो दूसरे कारीगर है वो बल्ले पर यानी कि दोनों तरफ यहाँ पर वो टेप लगा रहे हैं, क्योंकि टेप लगने के जो बाद जो बल्ले की पकड़ है या बल्ला है वो मजबूत तैयार हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो बल्ले को जो अंतिम रूप देने के लिए जो है बल्ले पर फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग में आप देख सकते हैं कि जो कारीगर है वो लगातार बल्ले को फिनिशिंग यहाँ पर देने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से जो बल्ला है वो लगभग एक बल्ला तैयार होने में 15 से 20 दिन का समय लेता है और उसके बाद वो मार्केट में चला जाता है और बिकने के लिए वो तैयार होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग जो कंपनी हैं उसके यहाँ पर बल्ले बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बल्ले को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। जैसे ही वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है मेरठ के जो बल्ले हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगी है। उसके बाद आज हम मेरठ के जीरो ग्राउंड पर पहुँचे हैं और आपको दिखाएगी कि बल्ला किस तरह वो तैयार होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो छोटी छोटी गाड़ी होती है यानी कि जो छोटे हाथी होते हैं जो आरा मशीन होती है उन पर जो है सबसे पहले बल्ले है उनकी कटिंग होती है, उसके बाद जहां पर बल्ला तैयार किया जाता है उस फैक्ट्री में पहुँचते हैं। और उससे पहले मैं दिखा दूँ कि जो है सुखाने की जो प्रक्रिया होती है बल्ले यानी कि बल्लों का जो एक ढांचा पहले जो तैयार किया जाता है वो ढांचा इस तरह यहाँ पर धूप में लगभग 15 से 20 दिन सुखाया जाता है। उसके बाद बल्ले को जो है फैक्ट्री में भेजा जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं, एक बल्ला बनने में लगभग कितना समय लगता है और उसमें जो बल्ले है उसका जो नाप तोल है लंबाई है वो किस तरह नापी जाती है। सर आपका नाम? राकेश गोस्वामी। राकेश जी, एक बल्ले को तैयार होने में किन किन प्रक्रियाओं के बीच होके गुजरना पड़ता है? सबसे पहले भैया पहले सुखानी पड़ती है, कम से कम 1.5 महीने लकड़ी सूखती है। सुखाने के बाद कटिंग होती है, कटिंग के बाद हैंडल लगता है, हैंडल लगने के बाद इसकी फिनिशिंग होती है, बनाई होती है। उसके बाद ये फैक्ट्री आता है तैयार होने के लिए, जब उसके बाद स्टिकर लगता है उसके बाद ये मार्केट में निकल जाता है। क्योंकि सबसे पहली प्रक्रिया होती है सुखाने की, कितने दिन की ये प्रक्रिया होती है? कम से कम डेढ़ महीना। उसके बाद क्या बल्लों का वेट होता है, उसके बाद क्या खराक पे जाता है? वेट 900 ग्राम, 1 किलो, 1100 ग्राम का वेट होता है। 32 इंची की लंबाई होती है, फुल साइज की 32-33 इंची लंबाई होती है। एक बल्ले को बनने में कितना समय लगता है?
एक बल्ले को तैयार होना दो दिन का समय लगता है, यानी कि 50 बल्ले डाल रखे कारीगर ने, उसको 50 बल्लों को 2 दिन का समय लगता है। उनमें उनकी सब प्रक्रिया, उस कितने लोगों के बीच वो होके गुजरता है बल्ला? बल्ला कम से कम एक बल्ला कम से कम 6 कस्टमरों के हाथ में निकलता है, 6 कारीगरों के हाथ में जब तैयार होता है। उसके बाद यहाँ से जो बल्ला है आपका जो है अलग अलग या डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कैसे भेजा जाता है? जैसे बाहर की पार्टी को ऑर्डर आता है, बस किसी ने 2 मंडल मांग लिए, 50 बैट मांग लिए, 100 बैट मांग लिए, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं हम। जैसे वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के बाद क्या लगा है कि बल्ला का जो व्यापार है, यानी कि कुछ उम्मीद है मगर अभी कुछ नहीं है, उम्मीद है काम चलने की मगर फिलहाल कुछ नहीं है। बिल्कुल, जो ये है एक छोटा सा इनका गोदाम है, ये जो है अपने बल्ले खुद बनाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि वर्ल्ड कप के बाद एक उम्मीद तो जागी है, लेकिन कितना बल्लों के जो है वो कितना उछाल आता है स्पॉट मार्केट में। और उसके बाद मैं आपको जो है दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो बल्ले हैं वो किस तरह तैयार होते हैं। यहाँ तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया बल्ले सूखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कि जो है खराद, यानी कि किस तरह से उनकी जो है घिसाई होती है, किस तरह से उन पर फेविकोल लगता है, किस तरह से जो बैट के हत्ते वो लगाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं, यहाँ पर जो बल्ला है उसका हत्ता लगाया जा रहा है, यानी कि फेविकोल से जो है बल्ले का हत्ता वो यहाँ पर चिपकाया जा रहा है, किस तरह से उस पर फेविकोल लगाया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो कारीगर हैं वो बल्ले तैयार करके यहाँ पर रख रहा है। दूसरी चीज़, जो बल्ले हैं उनके जो हत्ता होता है, जो पकड़ने वाला बैट का हत्ता होता है, उसकी यहाँ पर जो है वो घिसाई की जा रही है, और यहाँ पर जो है बैट वो तैयार किया जा रहा है। अभी आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जो है बैट उसका जो है नपाई वो की जाती है, और जो बल्ला है उसका हत्ता किस तरह यहाँ पर लगाया जाता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बल्ले को बनाने के लिए उसे काफ़ी सारी जो प्रक्रिया होती है उनके बीच से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाकर वो बाजार में पहुंचता है। क्या नाम है? मेरा नाम रूपचंद है जी। रूपचंद जी, बॉल की प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिर तक किस तरीके से बॉल बनाई जाती है? बस देखो, आपने अब देख तो लिया ही है मेरे पास किस तरह से बॉल बनाई, कि सबसे पहले तो कच्चा लैदर लाना पड़ता है मार्केट से, तो वहाँ से लाकर इसको होद में डालना पड़ता है, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तकरीबन ये 7-8 दिन लग जाते हैं उसको लैदर को पकाने में। उसके बाद में तब जाके वो हाथ में आता है, उसको कलर किया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ इसको निशान लगा के काटे जाता है, फिर मशीन पे जाता है, मशीन के बाद में जब इसकी सिलाई विलाई होती है जो आप देख रहे हो, तो ये समझो कि एक बॉल को बनाने के लिए तकरीबन 10-11 व्यक्तियों के हाथ से निकलती है, तब जाके ये तैयार हो पाती है, एक बंदे का काम नहीं है ये। जिस तरीके से बॉल को इस बार मेरठ की बॉल को वर्ल्ड कप में भी जगह दी गई है, तो थोड़ा बहुत आपके भी कारोबार में फ़र्क पड़ेगा जब मेरठ की बॉल है तो कितनी? हाँ हाँ जी जी, डेफिनेटली पड़ेगा, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे मेरठ का और बॉल का और बल्ले का वर्ल्ड कप में नाम आ रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो रही है हमारे लिए। लेखराज, लेखराज जी, एक बल्ले को तैयार होने में कितना समय लगता है? पूरा समय कम 1.5 महीना लगता है। क्या क्या प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना पड़ता है? पहले पेल कटता है, पेल के बाद आराम मशीन पर आती है, फिर वहाँ पे लकड़ी चीरती है, चीरने के बाद सूखती है, उसके बाद नदाई होती है और तब यहाँ आती है। 1 महीना सूखने में लगता है इसे पहले, जब ऊपर आती है उसके बाद ये काम चलता है पॉलिश वाला, फिर फिनिशिंग वगैरह स्टिकर, और उसके बाद जो हमारा काम ऊपर का फिनिशिंग का पन्नी वगैरह करके फिर मार्केट में जाता है। क्योंकि आप एक कारीगर हैं, हाँ, और इस वक्त वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, क्या लगता है कि जो बल्ला है उसकी मांग बढ़ी है? वर्ल्ड कप चला तो मांग तो बढ़ेगी, वो तो बढ़नी है। मेरठ एक स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अच्छी सिटी है, अच्छा काम है मेरठ में बल्ले का, स्पोर्ट का सारा काम अच्छा है, पहले पर तो नहीं, दूसरे नंबर पर तो कम से कम है।